सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनेंस बताने वाला हूँ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना एक नया ऐप लॉन्च कर दिया गया है, जिस ऐप का नाम है डाक पे। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है तब भी ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर पाएंगे, अगर आपका कोई अदर खाता है तब भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ डाक पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे आपको इस्तेमाल करना। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा सीख जाएंगे डाक पे एप्लीकेशन को कैसे यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, घंटे पर इसलिए ताकि आप यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आपको यहाँ पे ये डाक पे UPI बाय iPay पे भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आगे इस पेज पर जाकर पहुँच सकते हैं। पहले से मैंने इसको डाउनलोड कर रखा, चलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे करेंगे आपके पास इस तरह का डिस्प्ले आपके पास यहाँ पे शो होगा। आपको यहाँ पे रीड कर लेना। रीड करने के बाद आपका जो बैंक के साथ सिम लिंक है, वो सिम का आपको यहाँ पे चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद देखें यहाँ पे ये वेरीफाई थोड़ा यहाँ पे ले रहा है, प्लीज़ वेट वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको थोड़ा वेटिंग करना, ऑटोमेटिकली ये खुल के यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम डालना है, जिस व्यक्ति के नाम से खाता है इसका फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, इसका ईमेल आईडी डालना है। आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल है कि फीमेल है। आपको मोबाइल नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली सेट रहेगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे ये डम्स को एक्सेप्ट करना, रजिस्टर पर क्लिक करना। चलिए पूरी डिटेल्स यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, तो इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये पूरा चीज़ यहाँ पे डाल चुका हूँ। देख लिया यहाँ पे पासपोर्ट डाल दिया, ये डम्स को एक्सेप्ट कर दिया। अब चलिए रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ईमेल आईडी गलत हो गया, इसलिए नहीं ले रहा। चलिए ईमेल आईडी यहाँ से मैं ठीक कर दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए रजिस्टर पर मैंने क्लिक करा, रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करें देखा यहाँ पर थोड़ा सर्च लेगा। रजिस्टर करने के बाद इस तरह का ऑप्शन है, देखिए वहाँ पर अब जो पासपोर्ट वहाँ पर बनाए थे वो पासपोर्ट आपको यहाँ पर डालना है। अब देखिए यहाँ नीचे का लैंग्वेज का ऑप्शन दिया, स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ। अब चलिए जो मैंने पासपोर्ट वहाँ पे क्रिएट करा था वो पासपोर्ट यहाँ से मैं डाल देता हूँ। अब देखिए ये डालने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आपको देखिए यहाँ पे ईमेल यहाँ UPI ID डालने का रहा, कौन सा UPI ID यहाँ पर डालेंगे आप। देखिए मैं नीचे वाला डाल कर देखता हूँ, ये वाला UPI ID ले रहा है कि नहीं ले रहा। चलिए मैं इस पर क्लिक करा, इस पर जैसे क्लिक करा आपको यहाँ पर चेक अवेलेबल पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करें देखिए ये अवेलेबल है, ये UPI ID यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास पूरे बैंक की लिस्ट आ चुकी है। जो भी बैंक इसमें ऐड करना चाहते हैं पूरी बैंक की लिस्ट खुल कर आ चुकी है। अगर जो बैंक नहीं आता यहाँ पर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, जो बैंक आपको यहाँ पर नहीं आ रहा वो बैंक को यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। चलिए इसमें मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक करना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो बैंक मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक करा था, देखिए वो बैंक यहाँ पे लिंक हो चुका है। वो इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर खुल कर आ चुका है। देखिए यहाँ पर जिस व्यक्ति के नाम से मैंने करा था वो नाम आपको शो कर गया यहाँ पर, ये अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे शो कर गया, यहाँ पे देखिए UPI ID यहाँ पे शो कर गया। अब देखिए बहुत सारा यहाँ पे फंक्शन आपको नीचे में ये मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पे ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन यहाँ पे देखिए बैंक ऑप्शन मिल जाएगा, स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए मैं बैंक पे अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए जो बैंक मैंने यहाँ पे लिंक करा था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वो बैंक यहाँ पर देखिए लिंक हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन यहाँ पर टिक लग चुका है, यहाँ पर लग चुका। अब देखिए यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन करेंगे तो जो आपके पास स्कैन करके किसी को यहाँ से पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैलेंडर का आइकन दिया, इस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे स्टोरी पे गया। देखिए आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे सब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पे सब शो कर जाएगा। यहाँ पे उस साइड में यहाँ बैंक्स का आइकन इसको दिखा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे वो 3 डॉट का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए MPIN सेट करें आपको कह रहा है। यहाँ पर सेट UPI PIN पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ATM कार्ड का 6 डिजिट आपको यहाँ पे नंबर डालना है, एक्सपायरी मंथ आपको यहाँ पे डालना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए पूरा चीज़ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। पूरा चीज़ डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ देखिए आपको पिन सेट करने का रहा है, MPIN जो सेट करना चाहते हैं, आपको मैसेज आएगा बैंक की तरह से, वो मैसेज OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर ये सेट हो चुका, अब आपको यहाँ पर
आपको अपना पिन सेट करना है, जो पिन आप रखना चाहते हैं वो पिन आपको यहाँ पे सेट करना है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी को पैसा पे करेंगे वही पिन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं पिन डाल देता हूँ अपना। अब यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको वही पिन डालना है जो आप वहाँ पर ऊपर में डाले थे, वही आपको डालना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे देखिए पिन सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे क्लिक, देखिए यहाँ पे ये 6 डिजिट का यहाँ पे पिन बन गया। जिसको भी ऐसे जब से नेक्स्ट टाइम जिसको भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे आपको ये पिन डालना पड़ेगा, तभी पैसा ट्रांसफ़र आप कर पाएंगे। अब आपको देखिए यहाँ पर, अब साइड में आपको देखिए यहाँ पर बैंक्स का आइकन आपको दिखा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक, देखिए यहाँ पर ये पिन यहाँ पर आपको सेट हो चुका है। देखिए ये पिन यहाँ पे, देखिए और भी बैंक लिंक करना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन आपके पास खुल कर वहाँ पे शो करेगा। किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं देखिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आप यहाँ देखिए जिसको भी भेजना चाहते हैं पैसा, उसका UPI ID यहाँ पर आपको डालना है, नहीं तो आप यहाँ देखिए सेंड टू अकाउंट IFSC कोड इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर आपको डालना है, IFSC कोड डालना है, आप यहाँ पे पैसा इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब चलिए यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक जैसे आएंगे जिसको पैसा ट्रांसफ़र करें इसको यहाँ पे आपको UPI ID यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, पैसा इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं, यहाँ से इसको पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। चलिए मैं जैसे मैं यहाँ पर सेंड टू अकाउंट पर क्लिक करूँगा। इस पर जैसे क्लिक करें देखिए मैं अकाउंट नंबर डालूंगा यहाँ पर, अकाउंट नंबर IFSC कोड, यहाँ से मैं पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। इस पर मैंने यहाँ से क्लिक कर IFSC कोड डाल दिया मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे ये सर्च ले रहा है। देखिए ये पूरा इसका डिटेल्स यहाँ पे खुल कर गया, क्या इसका ब्रांच है, क्या सब कुछ जैसा आपको खुल के यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए फिर से आपको वहाँ पर लोडिंग वहाँ पर ले रहा है ये, देखिए यहाँ से इसको मैं यहाँ से इसको लोडिंग लेने देता हूँ। यहाँ से आपको यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये यहाँ पे ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे का आपको पे टू आइकन मिलेगा, इस पर पे का इसमें जैसे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स किसी को स्कैन करके पैसा पे करना चाहते हैं यानी कि स्कैन ए पे के अगर अपन क्लिक करना है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब जो भी आपका QR कोड है इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन जैसे ही करेंगे देखिए आप इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे खुल कर आएगा। देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा, अकाउंट इसके आइकन क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पर आपको साइड में आपको यहाँ पर 3 डॉट का आइकन दिखा देगा यहाँ पर, इसे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे रेफरेंस का आइकन इस पर क्लिक करना, जो आपका MPIN बना है वो MPIN आपको यहाँ पे डालना है। सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करें देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पे 5 रुपये बैलेंस है हमारे अकाउंट में, जो मैंने यहाँ पे करा था 5 रुपये मेरे अकाउंट में बैलेंस है। ये सेविंग अकाउंट है, इसका IFSC कोड ये आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब हाँ अगर आप इसमें बैंक और भी लिंक करना चाहते हैं देखिए प्लस का आइकन इस पर आपको क्लिक करना, पूरी बैंक की लिस्ट आ जाएगी, जो भी बैंक इसमें आपको लिंक करना चाहते वो बैंक यहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो। कोई से भी अदर बैंक हो इससे कोई परवाह नहीं, किसी बैंक में यहाँ लिंक कर सकते हैं। UPI ID के द्वारा किसी को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे UPI ID आपको डालना है, अमाउंट कितना भेजना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ डालना है। मिनिमम में ये 1 रुपये यहाँ से डाल लेता हूँ। जो मैसेज लिखना चाहते हैं वो मैसेज यहाँ पे इसको लिख के अब आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करना है। आप जो MPIN है वो MPIN आपको यहाँ पर डालना है। सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर थोड़ा ये लोडिंग ले रहा है इस तरह से। यहाँ पर पैसा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा या मेरे बैंक में पैसा यहाँ पे पहुँच चुका है, ये पैसा पहुँच सकता है। आई होप ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।